काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पटौदी परिवार को, क्योंकि उड़ती हुई खबरें आई है कि पटौदी परिवार के नवाब अभिनेता सैफ अली खान पटौदी और उनकी बेगम करीना कपूर खान के घर दोबारा पुलिस को तैनात देखा गया है। पुलिस सिक्योरिटी फिर से तैनात की गई है कपूर फैमिली और पटौदी फैमिली के लिए। करीना, जैसा कि आप जानते ही हैं, करीना कपूर खान अपने दूसरे बेबी को जन्म देने वाली हैं। ऐसे में दूसरे बेबी के जन्म से पहले करीना जिस मुसीबत में फंसी है उसकी हम आपके बीच बात जरूर करना चाहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ ये शो। इस शो में हम आपको बताना चाहेंगे कि करीना कपूर खान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। मुसीबत ये है कि करीना के घर के बाहर पुलिस सिक्योरिटी तैनात है। अब वो अपने बेबी को डिलीवरी के से पहले जो है अपने नए घर में शिफ्ट कर चुकी है। अब फॉर्चून हाउस जो उनका घर है वहां बाहर पुलिस तैनात इसलिए है क्योंकि अभी करीना सैफ वहां भी रह रहे हैं। तो ऐसे में सैफ जो वापस मुंबई लौटे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं, मुंबई पुलिस की जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है अपनी टीम के साथ, मुंबई पुलिस फॉर्चून हाइट्स की बिल्डिंग के बिल्कुल चारों तरफ खड़े हैं। सैफ और करीना जो कि अपने बच्चों को लेकर पहले से ही चिंतित हैं। अब तांडव फिल्म की वजह से सैफ के घर के बाहर ये सिक्योरिटी दी गई है क्योंकि तांडव फिल्म को लेकर जो है खास तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इल्जाम जो लगे हैं डायरेक्टर अली अब्बास जफर पर, इसे लेकर FIR दर्ज किया गया है और उत्तर प्रदेश से पुलिस की टीम जो है मुंबई पहुंच चुकी है तहकीकात के लिए और गिरफ्तारी की जो मांग उठी है उस पर भी काफी चर्चा है। ऐसे में करीना और सैफ का चिंता होना जाहिर सी बात है कि इस केस में उनका कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना है। अब अपने पति को लेकर करीना परेशान तो हैं, उम्मीद करते हैं कि ये परेशानी उनकी जिंदगी से जल्द दूर चला जाए। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे यही इजाजत लेने का। ऐसी ही बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज और मुझे यही दीजिए इजाजत। नमस्कार।